Hello everyone, Simon this side. So it's been the last 4 months से कोई वीडियो डाला due to some reason. So a couple of weeks or you can say months से मैं सिंगापुर रह रहा हूँ. So that's the only reason I'm busy था अपने schedule में. So I will upload videos जैसे भी possible होता है. So let it be. चलो आज का topic ये है कि if you want to find the suppliers either India में हो या तो China में हो तो आपको क्या क्या questions होना चाहिए. So whenever you start एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस तो सोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना सस्ते में लाओगे उतना आप हाई प्राइस पे बेच पाओगे. सो नाउ द थिंग इज कि व्हेन एवर यू लाइक डिस्कस सच अ काइंड ऑफ थिंग, सो हमेशा याद रखना कि जब भी सप्लायर से आप बात करते हो, आइदर जो भी सप्लायर बात कर रहा है, जो वो क्लेम कर रहा है वो सच है कि नहीं, इसके ऊपर वेरिफिकेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, आर दे आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ट्रेडिंग करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थर्ड, कि जो उनके एक्सपीरियंस है, जो आपने गुड्स बोला है एज इट इज वही प्रोडक्ट आएगा, तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं आता तो क्या आप इंस्पेक्शन करवा रहे हो इस चीज़ का, है ना. देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक इंस्पेक्शन इज देयर, और जैसे क्वालिटी ए टू जेड क्वालिटी, तो विच क्वालिटी ग्रेड आप मंगवा रहे हो, तो वो मैच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये होने के बाद आप उस पर्सन का कैपेसिटी कितना है ऑर्डर बनाने का, वॉट ऑर्डर्स दे हैव. Apart from that, the safety standard and the quality standard and the financial stable. ऐसा ना हो कि आपके से एडवांस लिया और उसी पैसे से सैंपल बनाने के लिए आगे दे रहा है ना, तो ये चीज़ें यू मस्ट नो ऑफ दैट थिंग्स कि क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना सेटिस्फाई करते हो उस चीज़ के ऊपर, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे कि क्या है, और थोड़ा इसमें डिटेल्स में बात करते हैं.